सत श्री अकाल जी, मैं हरजोत कौर। जिदा कि तुहानू पता है कि 26 मई नू चार लैंग्वेजेस कैनेडा दे स्टडी SBS कैटेगरी दे विच इंट्रोड्यूस कीतियां गईयां सी, जिदे विच है सेल्पिप, केएल, कैनेडियन अकैडमिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, PTE एंड TOEFL IBT। सो ये चार लैंग्वेजेस नू लेके कुछ थोड़े जे डाउट सीगे कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स की ने, एंड ये जितना ये चार लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुंदियां ने उस तो कुछ दिन बाद ही IELTS ओवरऑल 6 बैंड एंड 6 ईच दे विच काफी कंफ्यूजन सी। सो इस चीज की क्लैरिटी आ चुकी है। इस वीडियो नू ज्यादा तो ज्यादा लोगों तक शेयर करो, सो दैट हर एक ओहो स्टूडेंट जिन्हां नू डाउट सीगा या जो वेट कर रहे सी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करन लई, उन्हां नू क्लैरिटी हो जाए। सो इत्थे सब तो पहला आपां जो डाउट अपना क्लीयर करन लगे आ, जिहदे बारे फर्स्ट पैराग्राफ दे विच ही उन्होंने क्लीयर किया, IELTS GT एंड IELTS अकेडमिक दिया की रिक्वायरमेंट्स ने अंडर SBS। मैं नाल स्क्रीनशॉट अटैच किया सो दैट मेरे नाल नाल तुसी भी इनू पढ़ो। सो सब तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप 10 अगस्त तो अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं IELTS अकेडमिक नाल, ता ओवरऑल बैंड स्कोर 6 रिकॉर्ड ने, लेकिन नाल ही अगर तुसी ब्रैकेट दे विच चेक करोगे द एवरेज ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्किल सेक्शन स्कोर 6 इज रिक्वायर्ड, यानी कि एवरेज ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्किल, इंडिविजुअल यानी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, हर इंडिविजुअल दे विच भी 6 बैंड्स होने चाहिए। सेकंड पॉइंट इन्होंने दे विच इन्होंने क्लियर किया है कि अगर तुसी अपनी एप्लीकेशन 10 अगस्त तो पहला अप्लाई की है तां भी 6 ईच ही रिक्वायर्ड सीगा एवरी एंड इंडिविजुअल स्किल रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग दे विचों। थर्ड पॉइंट दे विच उन्होंने IELTS GT का भी क्लीयर किया है कि अगर तुसी IELTS GT नाल अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हो तां भी 6 ईच हर मॉड्यूल दे विच नेसेसरी ने एज ऑफ 10th अगस्त तो। उस तो बाद जो चार लैंग्वेजेस ने इन्होंने कहा है कि सेल्पिप दे लिए, हुण इत्थे एक चीज एक लाइन नोट करन वाली है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट टेस्टिंग इन इंग्लिश मस्ट अचीव अ टोटल स्कोर ऑफ एटलीस्ट, टोटल स्कोर टोटल यानी कि चारों मॉड्यूल्स का टोटल। सो इत्थे 7 फॉर सेल्पिप, सेल्पिप लई 7 बैंड्स चाहिए है, केएल लई 60 स्कोर चाहिए है, PTE लई 60 चाहिए है, TOEFL IBT 83 दी रिक्वायरमेंट है। सो इस चीज से ज्यादा क्लैरिटी एक दो दिन दे विच विच हो जाएगी, बिकॉज जो असी एक्सपीरियंस किया PTE ते सिर्फ ओही स्टूडेंट्स दे इस दिनां दे विच वीजे आए हैं जिन्हां दे हर मॉड्यूल दे विचों 60 या अबव 60 स्कोर रहे ने। GCK दे विच की चेंजेस होणगे इहदे बारे भी असीं तुहानूं लेटर अपडेट करांगे। इहदे नाल ही SDS दे विच उन्हां ने दस्सिया जिद्दां कुछ कंट्रीज दे लई इह SDS रूल बनाया गया जिहदे विच इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, फिलीपींस ते एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ कंट्रीज ने। सो इहदे च रूल की है, अगर आपां SDS दे विच अपनी एप्लीकेशन नूं लॉन्च करना है तां सब तों पहलां इन्हां ने दस्सिया है कि अपने कोल DLI अप्रूव्ड LOA होना चाहिए, यानी कि जिहड़ा भी कॉलेज तुसी जिथों ऑफर लै रहे हो ओह DLI अप्रूव्ड होना चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग जो है इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ऑफर लेटर ते DLI नंबर मैंशन होंदा है। सेकेंड रूल है कि अपफ्रंट मेडिकल नेसेसरी है, फाइल तो पहला मेडिकल करा के अपना मेडिकल विच लगाना है, 10,000 GIC होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि कंप्लीट 1 ईयर दी फीस भरनी नेसेसरी है अगर SDS दे अंडर फाइल लॉन्च करनी है। फिफ्थ है कि अपनिया जो चार लैंग्वेजेस नवीं ते पंजवीं IELTS जो है IELTS GT या IELTS अकेडमिक, ये 5 लैंग्वेज टेस्टां दे विचों कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट एज पर रिक्वायरमेंट जो बैंड स्कोर दसे गए ने उहदे मुताबिक आपां नाल लैंग्वेज टेस्ट दा प्रूफ लगाना, देन तुसी अपनी एप्लीकेशन जो है लगा सकते हो। सो जिहड़े भी बच्चियां नूं ये डाउट सीगा या जिहड़े भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे सी जिन्हां दे PTE स्कोर्स जिहड़े बच्चियां ने इंप्रूव करने सी, या फिर ओवरऑल बच्चियां दे 6 बैंड सीगे बट किसे एक मॉड्यूल 5.5 सीगा, ये सारियां चीजां दी क्लैरिटी मैनूं लगदा है कि होपफुली तुहानूं इस वीडियो च मिल गई है। सो अकॉर्डिंगली अपना जो है लैंग्वेज टेस्ट अप्लाई करो ते अकॉर्डिंगली एज पर SDS अपने स्कोर्स लैण दी कोशिश करो ता ही अपनी फाइल लगाओ। थैंक यू।